लेकिन फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास फिर से और आज शेक्सपियर की आखिरी क्लास है और इसके बाद हम लोग वर्ड्सवर्थ को शुरू करेंगे और साथ ही शेक्सपियर पर कुछ हम आपको टेस्ट पेपर वीडियोस के जरिए देने की कोशिश करेंगे जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और ईमेल पर भी कुछ हम क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको अटैच करेंगे। बाकी आप लोग देखकर सॉल्व करते रहिए और जो भी आपसे क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे आप कमेंट बॉक्स में आकर उनसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं क्योंकि आज हम लोग आखिरी जो प्लेयर शेक्सपियर के स्टडी करेंगे वो रोमांसेस से होंगे और आज के जो रोमांस हैं वो हमारे लिए द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट है। पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे तो 4 रोमांसेस हैं पेरिकलीज सिम्बेलिन द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट के साथ, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए द टेम्पेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस हमारे लिए प्ले है शेक्सपियर के इस रोमांसेस के बीच से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस पूछते हैं और चूंकि आखिरी है तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन कोशिश करूंगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते रहें और होप करूंगा कि जो क्वोटेशंस मैं नहीं पूछ पाता हूं क्योंकि लाइंस लंबी होती है तो क्वेश्चंस बनाने में और बोलने में टाइम लग जाता है, तो आप लोग क्वोटेशंस जरूर याद करते रहिए, क्वोटेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ क्वोटेशंस तो इतने इंपॉर्टेंट हैं इतने फेमस हैं कि उनके आप सीन्स और एक्ट्स भी जरूर याद करिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बना लेता है, कैरेक्टर्स आप मेजर कैरेक्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिए, होपफुली आपने नोट किया होगा, कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशंस हैं रिलेशंस को भी आप बारीकी से स्टडी करिए और उन्हें जानने की कोशिश करिए और दिमाग में रखने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चंस आपको शेक्सपियर से हो रहे हैं हमसे जरूर पूछते रहिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे शेक्सपियर के जो रोमांसेस हैं और उसके पहले कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर शोज द नेम ऑफ अ फॉरेस्ट आफ्टर द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर, when did Shakespeare leave his education, when did Shakespeare get his first daughter Susanna born, when did Shakespeare start his literary career, what work did he do at first at Burbage Drama Company, which play of Shakespeare was collaborated with Thomas Nash, how many plays are there as a English history play, which is the last of the English history play by Shakespeare, how many early comedies are written by Shakespeare, which is possibly the first of early comedies, what is the setting of All's Well That Ends Well, which is supposed to be the first and independent work of Shakespeare, where do we find the character Costard in Shakespeare's plays, how many matured comedies are there written by Shakespeare, which is going to be the matured comedies which contains a play within play, what is the name of the character who is to get married with hero in Much Ado About Nothing, what is the source of As You Like It, where do we find a character with the name of Master Fenton in Shakespeare's work, which play of Shakespeare has a statement we few, we happy few, we band of brothers, who speaks these words in Richard III
A horse, a horse. Manage my kingdom for a horse. How many plays are considered as a Roman plays for Shakespeare? Which is the last of the Roman plays by Shakespeare? Which is the major source of Roman plays written by Shakespeare? What can be the major source for English history plays by Shakespeare? What is the name of Hamlet's mother? What is the name of the play that is the play within play in Hamlet? Where do we find a character named Katniss in Shakespeare's work? How many doctors are mentioned in Macbeth? Who tells about the death of Lady Macbeth to Macbeth? How many apparitions do appear in Macbeth? Where does the banquet scene take place in Macbeth? Who considers Othello to be tragedy of handkerchief? What is the source of the Earl of Gloucester and his story in King Lear? How many plays are there considered to be romance? Which is the swan song of Shakespeare? Which play of Shakespeare announces and welcomes brave new world? Which play of Shakespeare is based on an event of the shipwreck of Bermuda? What is the major source of Pericles? Which play of Shakespeare has a treatment of misogamist character? What is the name of the character that loves Miranda? And the last one, continue work karte rahiyega. Last question is here. How many soliloquies are delivered by Hamlet in Hamlet? तो ये कुछ questions थे जो आखिरी बार हम लोग ले रहे हैं Shakespeare के in plays के लिए और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के plays को लेते हुए और पहले play के रूप में हम लोग discuss करेंगे the Winter's Tale. The Winter's Tale. विंटर्स टेल की सबसे अच्छी बात यह है कि शेक्सपियर के फर्स्ट क्रिटिक कौन माने जाते हैं शेक्सपियर के फर्स्ट क्रिटिक रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर के जो फर्स्ट क्रिटिक थे रॉबर्ट ग्रीन उन्होंने एक वर्क राइट किया था जिसका नाम था पेन दोस्तो शेक्सपियर चूंकि सोर्सेस तो लेते ही थे अपने प्लेस के लिए तो उन्होंने इस बार फिर से सोर्स लिया और विंटर्स टेल के लिए उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के ही प्ले वर्क एक्चुअली ग्रीन के ही वर्क दी पेन दोस्तो को अपने इस प्ले का मेन सोर्स बनाया पेन दोस्तो का मतलब होता है द ट्रंप ऑफ टाइम ट्रंप ऑफ टाइम और इस तरह से यह इकलौता ऐसा इनका प्ले होता है जिस प्ले में हम लोग पाते हैं टाइम को एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट हुआ खुद इसमें टाइम जो होता है वो आगे के कैरेक्टर का रोल प्ले किया करता है यह इकलौता
इनका ऐसा प्ले हुआ करता है जहां पर हम लोग ऐसे कैरेक्टर्स को पाया करते हैं। ठीक है, इस प्ले के सोर्स के बारे में मैंने आपसे बता दिया, द ट्रम्प ऑफ टाइम, जो स्पेशली मैं दोस्तों का नेम हुआ करता है और उसी पर ये बेस्ड हुआ भी करता है, ट्रम्प ऑफ टाइम पर ही बेस्ड है। इस प्ले को स्पेशली इसलिए भी जाना जाता है कि यह प्ले ऐसा है जिसमें टाइम को एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है और यहां पर टाइम एज अ कैरेक्टर जो आता है वो इंटरल्यूड का काम करता है, इंटरल्यूड का काम करता है और साथ ही साथ एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट होता है इस प्ले में। इंटरल्यूड आप जानते होंगे, दो प्लॉट या स्टोरीज जो होती है, स्टोरी के दो हिस्से जो होते हैं उनको इंटररिलेट करने वाला, एक साथ जोड़ने वाला जो होता है वो इंटरल्यूड होता है और ये इंटरल्यूड हमें इन्फॉर्म करता है द गैप ऑफ 16 इयर्स, 16 साल के गैप को ये जो है इंटरल्यूड हमें प्रेजेंट करता है, बताता है। इस प्ले को फर्स्ट टाइम फोलियो के रूप में परफॉर्म किया, फोलियो के रूप में पब्लिश किया गया था और फर्स्ट फोलियो के रूप में आप जानते हैं 1623 में इसका पब्लिकेशन होता है, पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो एंड फर्स्ट फोलियो वाज डन इन 1623। इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है द ग्लोब थिएटर में, द ग्लोब थिएटर में इसे परफॉर्म किया जाता है और परफॉर्म करने वाली कंपनी जो थी वो शेक्सपियर की अपनी कंपनी, क्या नाम था, किंग्स मेन होती है और परफॉर्मेंस 1611 को माना जाता है कि इसको परफॉर्म किया गया है। शेक्सपियर ने इस प्ले में एक बार फिर से थोड़ी सी अलग बात करने की कोशिश की और वो है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया बियर, तो शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच बियर, एक्चुअली कई बार माना जाता है, सॉरी रशियन बियर, भालू को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, रशियन बियर, आप किसी में भी इस तरह के वर्ड्स नहीं पाते और वो इसी भी प्ले में उन्होंने यूज किया है, जहां पर समझ में नहीं आता कि वो रियल बियर रहा होगा या फिर उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम्ड बियर को प्रेजेंट करने की कोशिश की होगी, लेकिन इसमें उन्होंने इस कैरेक्टर को एक्चुअली बियर को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जो एक इंटरेस्टिंग प्ले रोल को प्ले करता है इस प्ले में। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। पॉलिना जो एक मेड है, एंटीगोनस जो इसमें पॉलिना के हस्बैंड के रूप में है, एमेलिया एक सर्वेंट के रूप कैरेक्टर में आते हैं, अटोलिकस एक जोकर के रूप में है, मैमेलियस किंग के बेटे के रूप में है, फनलीडाइस फ्लोरिजन दूसरे किंग पॉलिजनिस के बेटे के रूप में है, पर्डिना यह लियोंटियस जो किंग ऑफ सिसिलिया है उनकी बेटी है, कैमिलो यह लियोंटियस के लॉर्ड होते हैं, लियोंटियस यह सिसिलिया के किंग होते हैं और पॉलिजनिस के फ्रेंड होते हैं, पॉलिजनिस बोहेमिया के किंग होते हैं और लियोंटियस के फ्रेंड होते हैं, क्लियोमनीस और डायम, क्लियोमनीस और डायम का काम होता है कि शेफर्ड के दिए हुए मैसेज को लेकर आने का काम करे, ओल्ड शेफर्ड अपीयर करता है और ओल्ड शेफर्ड ही पर्डिटा को बचाने का काम करता है, हर्मियन हर्मियन यहां पर क्वीन है जो लियोंटियस की वाइफ होती है जिनके ऊपर इनफिडेलिटी का आरोप लगाता है, साथ ही साथ टाइम के प्रेजेंस की भी बात की गई है इसमें और टाइम का प्रेजेंस इसमें होता है जैसा मैंने आपको बताया वो अपने आप में एक अलग टाइप का प्रेजेंस है जिसको शेक्सपियर ने किया। चलिए स्टोरी को थोड़ा सा हम लोग मूव कराते हैं और स्टोरी जो मूव होती है एक्चुअली शेक्सपियर ने यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है और थोड़ा सा अलग इस बार जो हो रहा है विंटर्स टेल में वो ये हो रहा है कि पहली बार शेक्सपियर ने एक और थीम ट्राई किया था और वो थीम ट्राई किया था डाउट बिटवीन फ्रेंड्स
और वो डाउट होता है इनफिडेलिटी को लेकर, जहां फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को इनफिडेलिटी के लिए डाउट करता है, तो एक अलग सा थीम भी होता है। और दूसरी बात मैंने जैसे आपसे कहा था कि एक थीम शेक्सपियर लेकर चले थे, जिसको उन्होंने ओथेलो में भी दिखाया था, और कुछ टाइम के बाद फिर उन्होंने सिम्बेलिन में भी वही थीम दिखाया, और वही थीम वो कंटिन्यू रखे हैं विंटर स्टेल में भी। तो वो थीम जो इन्होंने ट्राई किया था कौन सा थीम था, थीम ऑफ इनोसेंस एंड जेलसी। ओके, तो ये जो थीम है इनका, आप यहां पर फिर से देखेंगे कि जो इनोसेंस होता है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और फाइनली उसकी विन भी होती है, विक्ट्री भी होती है। प्ले जब ओपन होता है तो मैंने जैसे बताया कि लियोन्टिस जो एक्चुअली सिसिलिया के किंग हैं और इनके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं पॉलिक्सेनीस, ठीक, जो बोहेमिया के किंग हैं, बोहेमिया दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और ऑलमोस्ट 9 मंथ हो गए हैं, और पॉलिक्सेनीस जो है 9 मंथ से आकर के यहीं पर सिसिलिया में रह रहे हैं, और अब उनको लगता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, और इसलिए वो अपने फ्रेंड लियोन्टिस से इजाजत मांगते हैं, बट लियोन्टिस उन्हें इजाजत नहीं देता है और उसका कहना है कि कुछ दिन और ये रुक जाए, लेकिन पॉलिक्सेनीस ये बात उसकी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वो जिद सा पकड़ लेते हैं कि उन्हें जाना ही है। इसलिए लियोन्टिस अपनी वाइफ, लियोन्टिस की वाइफ होती है हर्मियोन, हर्मियोन से कहता है कि वो रोकने की कोशिश करें, और हो सकता है पॉलिक्सेनीस उनकी बात को मान जाए, और ऐसा ही होता है। जब हर्मियोन पॉलिक्सेनीस को रोकती हैं तो पॉलिक्सेनीस रेडी हो जाता है तैयार रुकने के लिए। इसी बात की वजह से लियोन्टिस डाउट करने लगता है कि शायद हर्मियोन और पॉलिक्सेनीस के बीच में सेक्सुअल रिलेशन, इधर बीच एक और प्रॉब्लम हो गई थी, दोनों को एक बेटा जरूर था मैमेलियस उनका बेटा था, लेकिन लियोन्टिस की वाइफ हर्मियोन एक बार फिर से प्रेग्नेंट है, और इस प्रेगनेंसी के बारे में उन्होंने लियोन्टिस को भी बताया है, उन्होंने उसको सीक्रेट रखा था कि कभी अच्छा मौका देख करके बताएंगे, लेकिन जब उनको ये मालूम चला कि लियोन्टिस उन पर डाउट कर रहा है, तब जाकर तो उन्होंने इस बात को रिवील किया कि शी इज प्रेग्नेंट। अब तो लियोन्टिस को और भी कंफर्म हो गया कि जैसे वो बच्चे उनके या जो प्रेगनेंसी है वो लियोन्टिस से नहीं बल्कि वो पॉलिक्सेनीस से, और पॉलिक्सेनीस को वो जेल कर देता है। जेल के साथ वो डिसाइड करता है कि पॉलिक्सेनीस को जेल में ही मारा जाए, इसलिए वो अपने एक साथी लॉर्ड कैमिलो को भेजता है कि पॉलिक्सेनीस को मार दे। कैमिलो सच्चाई को जानता है कि पॉलिक्सेनीस इनोसेंट है और बेवजह लियोन्टिस उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कैमिलो हेल्प करता है पॉलिक्सेनीस की कि वो वहां से स्केप कर जाए, वहां से भाग जाए। दोनों के भाग जाने के बाद यहां पर एक बहस होती है लियोन्टिस के कोर्ट में, और वो बहस चलती है कि क्या हम हर्मियोन को इनफिडेलिटी के लिए सजा दें। अब ये देखना ये है कि इनफिडेलिटी हुई भी है या नहीं, क्या सच में हर्मियोन डिसलॉयल नहीं थे अपने हस्बैंड के, इसलिए दो में सेंसर को ओरेकल ऑफ डेल्फी भेजा जाता है। कहां पर, ओरेकल ऑफ डेल्फी, और ये जो दो लोग जाते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो डियोन होता है, दूसरे क्लियोमेनीज होता है। ये दोनों लोग जाते हैं ओरेकल ऑफ टेंपल डेल्फी ये कंफर्म करने के लिए कि हर्मियोन एक्चुअली इनफिडेलिटी के लिए दोषी हैं या नहीं, मतलब क्या उनका पॉलिक्सेनीस से कोई रिलेशन था या फिर नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए। इधर हर्मियोन जो होती है वो अपनी एक खूबसूरत बेटी परडिटा को भी जन्म देती है, और इसी समय परडिटा को लेकर के हर्मियोन की जो मेड है पॉलिना, एक्चुअली वो मेड तो आई है साथी भी बहुत अच्छी है हर्मियोन की, वो जानती है हर्मियोन इनोसेंट है,
वो परडीटा को लेकर के आ जाती है लियोनजीस के पास ये दिखाने के लिए, हो सकता है लियोनजीस बच्चे को लेकर के खुश हो जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर जब परडीटा को लेकर आती है तो लियोनजीस और गुस्से में आ जाता है, और पॉलिना के हस्बैंड एंटीगोनस को वो ऑर्डर करता है कि एंटीगोनस इस बच्ची को ले जाए और उसका मर्डर कर दे, उसका किल कर दे उसको। लेकिन ऐसी कंडीशन वो खुद नहीं चाहता है, इस वजह से वह अपने साथ उस बच्चे को लेकर चला जाता है। इधर भी जो डेयोन और क्लियोमिनीस गए हुए थे संदेश लाने के लिए ओरेकल ऑफ डेल्फी में, वो वापस आ जाते हैं और वो बता देते हैं लियोनटीस से कि हर्मियोन इनोसेंट है। लेकिन हर्मियोन को इनोसेंट मानने के लिए लियोनटीस तैयार नहीं है। उधर इनका एक इकलौता बेटा मैलेलियस की भी डेथ हो जाती है, और ये भी बताते हैं डेयोन कि अगर ओरेकल ने कहा है कि अगर हर्मियोन को इनोसेंट नहीं माना लियोनटीस ने तो हर्मियोन को कोई भी सक्सेसर नहीं मिलेगा। इस तरह से ओरेकल ऑफ डेल्फी की बात न मानने की वजह से ही मैमेलियस की डेथ हो जाती है। और इधर एंटीगोनस जो परडीटा को लेकर के जंगल में गए होते हैं वो अपने साथ उस चाइल्ड को लेकर जाते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं बल्कि एक बास्केट में कुछ गोल्ड पॉइंट्स के साथ रख देते हैं, और वो सोचते हैं कि कोई वाइल्ड एनिमल आकर के उसको खा जाएगा, वो क्यों मारे। लेकिन तभी उनको दिखता है कि वहां पर एक बियर आ रहा होगा। अब वो अपने सामने उस बच्ची को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वो बच्ची को बचाने के लिए उस चाइल्ड को परडीटा को जब वो आगे बढ़ते हैं तो बियर जो होता है वो एंटीगोनस पे अटैक कर देता है। उसी समय वहां पर ओल्ड शेफर्ड आ चुके होते हैं, और ओल्ड शेफर्ड उस चाइल्ड को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। इधर अटैक द बियर एंटीगोनस पे कर देता है, एंटीगोनस की डेथ हो जाती है, और इस तरह से जो चाइल्ड होती परडीटा उसको ओल्ड शेफर्ड लेकर चला जाता है। और इसी जगह पर टाइम कैरेक्टर हमारे लिए प्रेजेंट होता है, और टाइम पूरी 16 इयर्स में क्या क्या घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को हमसे कोरिलेट करता है या हमको बताने का काम किया करता है। टाइम के प्रेजेंट होने के साथ ही यह भी क्लियर हो जाता है कि हम स्टोरी आगे मूव करेगी, और स्टोरी मूव जब होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पुराने दुश्मन थे एक्चुअली पॉलीजनीज और लियोनटीस, उनके दोनों बच्चे, बात अलग है कि लियोनटीस को लगता है कि उनके कोई बच्चे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर्मियोन भी जब बच्चे की मौत के बारे में सुनी थी तो बेहोश होकर गिर गई थी, जिसकी वजह से पॉलिना उनको अपने साथ लेकर चली गई थी और अपने रूम में रखी, और यह भी आउट कर दिया कि शी इज डेड, उनकी डेथ हो चुकी है। परडीटा बड़ी होती है और वो अब बोहेमिया में ही रह रही है। बोहेमिया में उनका अफेयर जो होता है पॉलीजनिस के बेटे फ्लोरिजर से हो जाता है। फ्लोरिजर 16 साल हो गया है, कैमिलो वहीं पर है पॉलीजनिस के साथ। फ्लोरिजर अपने आप को डिस्गाइज करके डोरिकलिस नाम लेता है, डोरिकलिस नाम से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। अब एक शेफर्ड की लड़की के साथ, परडीटा के साथ कैसे एक किंग का लड़का फ्लोरिजर शादी कर सकता है, इसलिए पॉलीजनिस ने कैमिलो के साथ मिलकर के डिसाइड किया कि दोनों लोग उस शादी को देखने जाएंगे जिस शादी को परफॉर्म करने वाले फ्लोरिजर। एक्चुअली एक शेफर्ड्स में ट्रेड होता है, मतलब उनका अपना एक तौर तरीके चलते हैं, जहां पर उस एक रात को जो लड़की जिसको एक्सेप्ट कर लेती है उसको पति मान लेती है। इस वजह से सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे ही डोरिकलिस वहां पर परडीटा के साथ होता है, तुरंत किंग और उनके साथ कैमिलो का पीछा कर लेते हैं, और इस तरह से दोनों भागते हैं। भागते समय इनको एक जोकर मिलता है आर्टोलिकस इनको हेल्प करता है, और इस तरह से ये दोनों जो भागते हैं तो कहां जाते हैं, सिसिलिया के लिए, ठीक है, दोनों सिसिलिया की तरफ भाग देते हैं। इनका पीछा करता हुआ आर्टोलिकस भी चल देता है, क्योंकि आर्टोलिकस के कपड़े ही लेकर चले गए होते हैं, और आर्टोलिकस के साथ साथ ओल्ड शेफर्ड, क्योंकि उसकी बेटी परडीटा भी भाग रही होती है तो परडीटा के लिए वो चल देता है। इधर जो किंग होता है वो अभी पॉलीजनिस, वो अपने बेटे डोरिकलिस के लिए चल देता है। सारे कैरेक्टर्स जाकर के पहुंच जाते हैं कहां पर, सिसिलिया। सिसिलिया में पहुंचने के बाद
एक दूसरे से मुलाकात होती है और यहाँ पर जो दोनों फ्रेंड रहते हैं लियोंटियस और पॉलिग्जिनियस, इनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर ओल्ड शेफर्ड यह भी क्लियर करता है कि परडिटा उसकी बेटी नहीं होती है बल्कि परडिटा को उसने पाया था और वो फिर वहां पर अपने सामने हुए एंटीगोनस के डेथ के बारे में पता था। जब यह क्लियर हो जाता है कि एंटीगोनस अब नहीं है तो परडिटा की जो शादी होती है वो कैमिलो से हो जाती है, कैमिलो से शादी हो जाती। और चूंकि अब यह मालूम हो चुका है कि परडिटा कोई शेफर्डेस नहीं है या और बल्कि फ्रेंड की वाइफ डॉटर है, इस तरह से परडिटा और फ्लोरिडल की भी शादी हो जाती है। पॉलिना बहुत खुश है इसलिए वो चाहती है कि किंग लियोंटियस को कुछ वो स्पेशल दिखाएं, इसलिए अपने यहां ले जाती है और वो दिखाती है कि वहां पर मोम की बनी हुई एक स्टैचू उन्होंने बना रखा है जो उनकी वाइफ हार्मियोन का है और सारे लोग उस स्टैचू को देखने के लिए जाते हैं। अचानक से जबकि हार्मियोन के स्टैचू को देख रहे होते सारे लोग तो इट टर्न्स टू बी अलाइव, ये जिंदा हो जाती है और तब मालूम चलता है कि हार्मियोन की डेथ नहीं हुई थी बल्कि हार्मियोन जिंदा थी और उसको जानबूझकर पॉलिना ने छुपा करके रखा हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रोमांस की तरफ और अगला रोमांस हमारा जो है वो द टेम्पेस्ट है। द टेम्पेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसे हम लोग शेक्सपियर के स्वान सॉन्ग के रूप में भी मानते हैं। टेम्पेस्ट को हम लोग एक तरह से मास्क भी मानते हैं और मास्क आप जानते हैं कि छोटा सा प्ले होता है जिसका परफॉर्मेंस स्टेज पर होता है। द टेम्पेस्ट राइटिंग टाइम के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 1611 से लेकर 1612 के बीच में इसको राइट किया गया होगा और परफॉर्म भी किया गया होगा। द टेम्पेस्ट सेकेंड प्ले है जिसको माना जाता है कि शेक्सपियर ने पॉसिबली किसी मेजर सोर्सेस स्टोरी को नहीं लिया है। सेकेंड इंडिपेंडेंट वर्क हम मान सकते हैं, सेकेंड इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि फर्स्ट वर्क के रूप में किसको हम लोग मानते हैं लव सिलेबस लॉस्ट, तो ये सेकंड इंडिपेंडेंट वर्क है शेक्सपियर का। दूसरा, कुछ लोग प्रॉस्पेरो का जो कैरेक्टर है उसे बहुत मतलब शेक्सपियर का कैरेक्टर मानते हैं, इसलिए कई क्रिटिशियंस में इसको प्रॉस्पेरो के बेस पर लोग ये मानते हैं कि प्रॉस्पेरो कैरेक्टर जो है वो शेक्सपियर के ही तरह, तो उस कैरेक्टर को देख करके कई लोग मानते हैं कि यह ऑटोबायोग्राफिकल भी है। हालांकि ऑटोबायोग्राफिकल की बात किया जाए तो एज यू लाइक इट में भी हम लोग देख चुके हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, जहां पर हम लोग फॉरेस्ट के नेम को आर्डन के नाम से जाना था और उसकी वजह से उसको हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफिकल माना हुआ था। हमने आपसे बताया कि जो द टेम्पेस्ट है वो एक तरह का मास्क है। उस समय मास्क परफॉर्म किए जाते थे, एक्चुअली मास्क जो होते थे वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होते थे ऑन द स्टेज, म्यूजिकल परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। बहुत हद तक आज के समय में जो हम ओपेरा की बात करते हैं तो कुछ ओपेरा जैसा ही उस समय ये परफॉर्मेंस हुआ करता था। तो शेक्सपियर का ये प्ले मास्क के रूप में भी समझा जाता है। 1623 फर्स्ट फोलियो जो आता है उसी में पहली बार इसका पब्लिकेशन होता है, फर्स्ट फोलियो 1623 में फर्स्ट टाइम इसका पब्लिकेशन कराया गया होता है। वैसे तो मेजर सोर्स इसके नहीं मिलते हैं, फिर भी शिपरेक ऑन बर्मुडा और ऑन कैनिबल्स दो माने जाते हैं जो इसके सोर्सेज होते हैं। बहुत प्राइमरीली थोड़े बहुत सोर्सेज एलिमेंट्स मिलते हैं ऑन कैनिबल्स जो एक ऐसे कलेक्शन था और इसी तरह से द शिपरेक ऑफ बर्मुडा भी एक ऐसे कलेक्शन ही था, एक इवेंट का डिस्क्रिप्शन था जिसके बारे में इन्होंने बात किया और खास तौर से
शिप के डूबने की स्टोरी को ही इन्होंने अपने लिए एक बेस बना लिया। आज जो मेरे ग्राफिकल होने के साथ साथ मैंने अभी आपसे बताया कि द टेम्पेस्ट जो है वो स्वान सॉन्ग भी है शेक्सपियर का, और आप जानते हैं स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, लास्ट कंप्लीट वर्क। स्वान सॉन्ग भी माना जाता है क्योंकि लास्ट कंप्लीट वर्क तो द टेम्पेस्ट है, और लास्ट वर्क कौन सा है, हेनरी एट्थ, वह अनफिनिश था जिसको बाद में फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। टेम्पेस्ट कंप्लीट है, लास्ट फिनिश्ड वर्क के रूप में हम लोग टेम्पेस्ट को ही मानते हैं। इस प्ले को पॉसिबली 1st नवंबर 1611 को ब्लैक फ्रियर हॉल में परफॉर्म किया गया था। ब्लैक फ्रियर हॉल जो है वो ग्लोब थिएटर का हिस्सा था, उसी में इसका परफॉर्मेंस किया गया था। ब्लैक फ्रियर्स हॉल जो ग्लोब थिएटर का हिस्सा था, ग्लोब थिएटर का हिस्सा था, इसे 1st नवंबर को परफॉर्म किया गया था 1611, ऐसा रिकॉर्ड मिलता है, इसको परफॉर्म किया गया था। और यह एक क्योंकि म्यूजिकल परफॉर्मेंस था इसलिए शेक्सपियर ने अच्छी सक्सेस लेकर आता, और इस प्ले में ही नए वर्ल्ड नई दुनिया की बात की जाती है, और नई दुनिया में मिरांडा एक्चुअली जो कैरेक्टर्स में मिलती हैं, अभी हम लोगों से मिलेंगे, तो वो मिरांडा एक ऐसी कैरेक्टर होती है जिन्होंने अपने लाइफ में ऑलमोस्ट पहले मैन को देखा ही नहीं था, नेवर सीन मैन, ठीक, इसलिए मैन को देखने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि किस तरह से होता है। मैंने इसके पहले जब आप लोगों को एज्यूम लाइक इट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि दो प्ले ऐसे हैं जिसको शेक्सपियर ने ड्यू के डिपोज होने पर राइट किया था, और उनमें से एक प्ले टेम्पेस्ट भी था। टेम्पेस्ट में भी सीनियर ड्यू जो होते हैं वो प्रॉस्पेरो होते हैं, और प्रॉस्पेरो को डिपोज किया जाता है, यहां पर सीनियर ड्यू ओके कौन है, प्रॉस्पेरो, और ये डिपोज्ड होते हैं, इनको पद से हटाया जाता है, और इनको पद से हटाने वाला कौन होता है, इनका भाई ओके। और इसी तरह से इन्हीं की तरह एक और स्टोरी होती है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो भाई होता है वही किंग फर्डिनेंड, ड्यूक फर्डिनेंड, इनफैक्ट ड्यूक फर्डिनेंड को हम लोग पाते हैं एज यू लाइक इट में, जो अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को डिपोज करने का काम करते हैं, पद से हटाने का काम करते हैं। और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये मिलता है कि पद से हटाने का काम भाई ही करता है, एंटोनियो जो भाई होता है इनका वो पद से हटाता जरूर है, लेकिन दोनों प्लेस में एक डिफरेंस भी है जैसा मैंने आपसे कहा, वो क्या होता है कि जो एज यू लाइक इट है वहां अकेले ड्यूक को रिमूव किया गया था, बैनिश किया गया था, यहां पर जो प्रॉस्पेरो है वह अपनी बेटी मिरांडा के साथ बैनिश किया जाता है, और जब बैनिश किया गया होता तो मिरांडा वाज जस्ट 3 ईयर ओल्ड, ठीक 3 साल की थी। तो फादर एंड डॉटर दोनों को डिपोज करके पद को लेने वाला एक लौटा प्ले है, जबकि केवल ड्यूक या सीनियर ड्यूक को डिपोज करके पद पर आने वाले छोटे भाई जैसे यहाँ पर एंटोनियो आया, उस वहां पर ड्यूक फ्रेडरिक आए थे, इस तरह से थीम पर एज यू लाइक इट भी है जिसको इन्होंने राइट किया हुआ। एक्चुअली इस प्ले में ये इकलौता ऐसा प्ले है, दिस इज द ओनली प्ले जहां पर हम पाते हैं कि हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है वो एक सुपरनैचुरल पावर को रखने वाला या सॉर्सरर होता है, प्रोटैगोनिस्ट एज अ सॉर्सरर, प्रोटैगोनिस्ट एज अ सॉर्सरर, मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, ऐसा कोई और प्ले नहीं है शेक्सपियर का। दूसरी बात यह है कि यह प्ले दूसरा ऐसा प्ले होता है जो एक प्यूरिटन कैरेक्टर गोंजेलो को रखता है, सॉरी अलोंजो को, सॉरी गोंजेलो इज प्रॉस्पेरो कैरेक्टर नॉट अलोंजो ओके, गोंजेलो इज अ प्यूरिटन कैरेक्टर
या प्यूरिटन के साथ साथ गोंजालो कम्स कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। पहला कौन सा प्ले है? ओके, पहला प्ले कौन सा था? पहला प्ले है ट्वेल्थ नाइट, जहां पर मेलबोलियो उनको प्यूरिटन या फिर कॉमनवेल्थ को प्रेजेंट करता हुआ मिलता है, और यहां पर गोंजालो मिलता है क्योंकि गोंजालो ही होता है जो प्रॉस्पेरो को हेल्प करता है, और प्रॉस्पेरो को बुक्स, फूड या शाफ्ट, जो मैजिक शाफ्ट होता है, वो सारी चीजें अवेलेबल कौन कराता है? गोंजालो कराता है। ओके, इस तरह से प्यूरिटन कैरेक्टर या कॉमनवेल्थ कैरेक्टर के रूप में ये दूसरा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर ने अपने प्ले में रखे हुए। और अब हम लोग आते हैं इस प्ले के बैकग्राउंड पर। एक्चुअली इस प्ले में जितनी स्टोरी है उससे कहीं ज्यादा इसकी स्टोरी इसके बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड की स्टोरी में काफी चीजें, इवेंट्स, घटनाएं होती हैं। पहले हम लोग कैरेक्टर इंट्रोडक्शन लेते हैं, कुछ लाइंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। प्रॉस्पेरो जो ड्यूक ऑफ मिलान है, ध्यान रखिएगा ये सेटिंग जो है इसकी मिलान में है। सेटिंग कहां पर है? मिलान। और मिलान के ही ड्यूक कौन थे? प्रॉस्पेरो। प्रेजेंट में ड्यूक कौन है मिलान का? एंटोनियो, ठीक है। और दूसरी जो थोड़ी सी सेटिंग देखने को मिलती है हमको, वो होता है नेपल्स। ओके, नेपल्स के किंग के रूप में यहां पर अलोंजो आपको मिलेंगे, अलोंजो। ओके, तो ये जो होते हैं आपको कैरेक्टर के रूप में मिलेंगे यहां पर अलोंजो। चलिए देखते हैं यहां पर कैरेक्टर जो ध्यान रखिएगा, अलोंजो नहीं, अलोंजो है जो कैरेक्टर आपको मिलेगा, उसको हम लोग बात करते हैं यहां पर। और इस तरह से कैरेक्टर में बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान थे जिनको पद से हटाया गया। मिरांडा इनकी 3 ईयर ओल्ड डॉटर थी जो अब ऑलमोस्ट 15 ईयर की हो गई। एरियल इनका सुपरनेचुरल स्लेव होता है जो एक स्पिरिट है इनके साथ में रहता। साइकोनेक्स एक विचेस थी जो वहां पर स्पिरिट की तरह रहती थी, बाद में मिलान के फॉरेस्ट से भगाया और सर प्रॉस्पेरो ने इसको। अलोंजो जैसा मैंने बताया, अलोंजो जो है वो एक किंग है, किंग ऑफ नेपल्स है जैसा मैंने आपको बताया। आयरिश सीरीज जूनो ये स्प्रिट्स हैं, एरियल्स के साथ रहती। सेबास्टियन अलोंजो का ब्रदर है, बाद में अभी ट्रांसफर करता अपने भाई को हटाने के लिए। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का ब्रदर है जैसे आपको बताया गया है, वो इनको पद से हटाने का काम करता है, कोशिश करता है और फाइनली सक्सेसफुल होता है। फर्डिनेंड जो होता है अलोंजो का सन होता है, बाद में वो लव करने लगता है मिरांडा के साथ और फाइनली दोनों की शादी के साथ ही प्ले की एंडिंग होती है। गोंजालो जैसा मैंने बताया, गोंजालो एक प्यूरिटन कैरेक्टर जो नेपल्स में रहता था और वो अलोंजो का मिनिस्टर था, बट एक प्यूरिटन कैरेक्टर है। ट्रिंकुलो यहां पर एक शराबी, और स्टेफनो उसका साथी शराबी है जो प्ले में कई जगह पर कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से ड्यूक प्रॉस्पेरो को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कैनिबल, कैनिबल जो रहता है साइकोरेक्स का बेटा होता है जो एक जगह कोशिश करता है मिरांडा को रेप करने का और फाइनली उसको स्लेव बना लेता है कैलिबर को, नॉट कैनिबल, कैलिबर को स्लेव बना लेता है प्रॉस्पेरो। और फाइनली ऐसा लगता है कि ये इसे छोड़ता नहीं और वो हमेशा ही आइलैंड पर उसके पनिशमेंट के रूप में पाता हुआ रुका रहेगा। और फाइनली एरियल को तो फ्री कर दिया जाता है बट कैलिबर को फ्री नहीं किया जाता। कैलिबर साइकोरेक्स का बेटा होता है जो ट्राई करता है किसी मिरांडा को रेप करने का। तो कोशिश करते हैं कि आगे बढ़कर प्लॉट को आपको समझाएं। प्लॉट में बैकग्राउंड में ज्यादा स्टोरीज हैं, जैसे मैंने आपसे बताया स्टोरी मूव करती है एंटोनियो के साथ। एंटोनियो अलोंजो के साथ मिलकर के अपने बड़े भाई प्रॉस्पेरो को पद से हटाता है और उसके बाद खुद ड्यूक बन जाता है मिलान का। साथ ही साथ अपनी जो नीज होती हैं मिरांडा उन्हें भी पद से हटा देता है और दोनों को प्रॉस्पेरो और मिरांडा को भेज देता है। जब मिरांडा को हटाया था ऑलमोस्ट वो 3 ईयर ओल्ड थी, और आज स्टोरी जो हमारे पास पढ़ने को मिलेगी एक्चुअली वो 12 ईयर्स लेटर, 12 साल हो चुके हैं इसके बाद खानी, इसका मतलब मिरांडा कितने वर्ष की हो गई है? 15 ईयर ओल्ड।
ओके 15 साल की हो गई जो स्टोरी है मूव करेगा और इस प्ले में सेटिंग में ये होता है कि जब प्रोस्पेरो को बैरिश किया जाता है तो मिलान के वो जंगलों में चले जाते हैं और वहां पर एक स्प्रिट होती है जिसका नाम होता है साइकोरेक्स। साइकोरेक्स वहां के तमाम जो स्प्रिट्स हैं खास तौर से हमें एरियल को याद रखना पड़ेगा। एरियल को उसने अपना बंदी बना लिया था और पनिश करके पेड़ में टांग दिया था। प्रोस्पेरो एरियल को छुड़ाता है और अपना स्लेव बना लेता है, साथ ही वो साइकोरेक्स को पनिश करता है कि वो चली जाए यहां से और इसका बाद में मालूम चलता है कि डेथ भी हो गई। साइकोरेक्स का एक छोटा सा बेटा रहता है कैलिबन, ठीक कैलिबन को अपने पास रख लेता है क्योंकि उसकी उम्र और मिरांडा की उम्र लगभग सेम होती है। यह मिरांडा के साथ ही रहता है लेकिन जब बड़ा होता है तो बाद में शैतानी में आ जाता है क्योंकि इसको लगता है कि प्रोस्पेरो ने उसकी मदद साइकोरेक्स को मारा हुआ है। इस प्ले में जब हम लोग मेन प्लॉट में आते हैं सारी कहानी जो है वो बैकग्राउंड में, प्रोस्पेरो को 12 साल 12 ईयर हो गए हैं मिलान में रहते हुए, कोई भी वहां पर स्प्रिट नहीं रह गई है, प्रोस्पेरो ही काम कर रहा है। एरियल उसको न्यूज देता है कि एलेंजो जो है एलेंजो अपनी बेटी की शादी के लिए जो किंग ऑफ ट्यूनिस के साथ शादी हो रही है उसके लिए अपने सारे साथियों के साथ गोंजेलो एंटोनियो अपने भाई सेबास्टियन और अपने बेटे फर्डिनेंड साथ में अपने सारे जो भी साथी हैं उन सभी के साथ वो निकला हुआ है किंग ऑफ ट्यूनिस के यहां अपनी बेटी की शादी के लिए। एरियल प्रोस्पेरो के आदेश पर यहां पर एक स्टॉर्म एक तूफान क्रिएट करता है जिसकी वजह से सारे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फर्डिनेंड की मुलाकात मिरांडा से हो जाती है और मिरांडा और दोनों में लव हो जाता है। प्रोस्पेरो को मिरांडा के इस लव से प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन वह चाहता है कि दोनों के लव को खास तौर से चेक किया जाए और फाइनली वह फर्डिनेंड को अपना स्लेव बना लेता है। इधर ये स्लेव बने होते हैं और दूसरी ओर एलेंजो काफी परेशान होते हैं, उनको लगता है कि उनका इकलौता बेटा फर्डिनेंड डेड हो चुका है जबकि गोंजेलो को समझाता है कि उसने उनको जिंदा देखा। इधर सेबास्टियन जो होता है वो एंटोनियो के साथ मिल जाता है और एक कॉन्स्पिरेसी बना रहा होता है कि वो अभी अपने भाई एलेंजो को पद से हटा दे। इसी समय प्रोस्पेरो एरियल को ऑर्डर करता है सारे कैरेक्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और जो प्लानिंग सेबास्टियन एंटोनियो के साथ मिलकर कर रहा था उसको रिवील कर देता है, उसको ओपन कर देता है। इस तरह से सेबास्टियन और एंटोनियो दोनों ही शर्मशार होते हैं और प्रोस्पेरो फाइनली एंटोनियो को क्षमा कर देता है और डिसाइड करता है कि एलेंजो को भी क्षमा कर देना चाहिए सेबास्टियन को ऐसी गलतियों के लिए और फाइनली फर्डिनेंड और मिरांडा की दोनों की शादी की प्लान हो जाती है। शादी होने के लिए फिर से जाना पड़ेगा मैरिज हॉल, तो मैरिज करने के लिए वहां जाने से पहले प्रोस्पेरो चाहता है कि जो भी मैजिक शाफ्ट उसके पास था रॉड के रूप में बुक्स थी या जो भी चीजें थी वो सारा चीज वो फेंक करके जाना चाहता है। एरियल को वो आदेश करता है कि एरियल उसके इंफॉर्मेशन को पहुंचाए और उसके बाद वो फ्री हो जाएगा जबकि कैलिबन को वो पनिश करता है कि वह इजी मिलान के जंगल में पड़ा रहेगा उसके स्लेव के रूप में और कहीं जा नहीं सकता है। इस तरह से लास्ट में प्रोस्पेरो एक एपिलॉग देता है और उसी की एपिलॉग के साथ इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। कई बार पूछा भी जाता है एपिलॉग के रूप में तो ये प्ले है जिसमें एपिलॉग आता है, प्रोस्पेरो एक संदेश देता है लोगों को कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में रहें और इसी के साथ इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग होती है या मैरिज की तैयारी हो रही होती है, सारे कैरेक्टर दूसरे से मिल गए होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ फेमस जो स्टेटमेंट्स हैं इस प्ले से। जैसा मैंने आपसे बताया कि मिरांडा इसमें ऐसी कैरेक्टर है जिसने पहले कभी मैन को देखा ही नहीं, बड़ी शॉकिंग की हुई है और एक दो सॉन्ग है जिसको एरियल ने परफॉर्म किया और एक दो स्पीचेस हैं जो प्रोस्पेरो डिलीवर करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो लाइंस आपके लिए है। चलिए उन लाइंस को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। पहली लाइन के रूप में कैलिबन का स्टेटमेंट है, कैलिबन कहता है You taught me language and my profit on it is I know how to curse. The red plague did you for learning you, learning me your language. कैलिबन ये प्रोस्पेरो मिरांडा से बोलता है
सेकंड उसकी स्टेटमेंट आती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होता है वो मिरांडा का स्टेटमेंट होता है जो फर्डिनेंड से कहती है, और वो कहती है कि आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई योर मेड टू बी योर फेलो, यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नो। यह स्टेटमेंट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में आता है। प्रॉस्पेरो का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें वो कहता है We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Act 4, scene 1st में आया करता है ये statement. Prospero का बहुत ही famous statement है. इसके अलावा Ariel का song है जो काफी famous है इस play से. Full fathom wide, thy father lies. Off his bones are coral made. Those are pearls that were his eyes. Nothing of him that does fade. But does suffer a sea change into something rich and strange. Sea names hardly ring his name, ding dong hark, now I hear him ding, them ding dong bell. Act first, scene second में ये famous song जो है Ariel का आया करता है। Next जो statement होता है वो Miranda का statement होता है। Miranda अपनी famous statement में बोलती है, Oh wonder how many goodly creatures are there here. How beautiful mankind is, oh brave new world that has such people in it. Actually, इस तरह का जो उनका famous statement आता है, वो clarify करता है किस तरह से वो love करते हैं इस नए world को। तो इस world के साथ आज की class में यहीं पर रखते हैं। Next class हम लोग words के साथ